नमस्कार पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं देखिए। और जो आपने कहा ना कि हमारे कारण विजय प्राप्त हुई, फला के कारण विजय प्राप्त हुई, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे भी एक जीवन में विजय प्राप्त हुई है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ काम करना है, अपना पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी का जो बट वृक्ष खड़ा किया है। श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो उसे दिया जाना चाहिए। हम सभी एक सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन जिन्होंने विजय हासिल प्राप्त की है अथवा जो विजय हासिल करते करते रुक गए, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का मैं अपनी तरफ से स्वागत करूंगा। और हमारी महापौर श्रीमती सुषमा जी खंडवाल रिटायर्ड मतों से उन्होंने भी यह प्राप्त किया। और यह हम सब सभी के लिए गौरव का विषय है। और यह भी केवल सुषमा की विजय नहीं, आप सब लोगों ने जब तक परिश्रम न किया होता तो शायद यह विजय हमको प्राप्त न होता। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए आप सबके सामने नहीं खड़ा हुआ, बराबर मिलना जुलना सबसे होता ही है। आप सभी लोगों को मिलकर और प्रयत्न यह करना है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी जीत कर आए हैं उनके साथ भी हमको अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं। कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। जिनको आपने पराजित किया है, आपके क्षेत्र की जनता को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि हमारा यह भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी इतने बड़े मन का है, इतने बड़े दिल का है, जिसको इसने पराजित किया है उसके प्रति भी इसके मन में इतना बड़ा सद्भाव, एक सदिच्छा। और मैं बताऊं कि यह जनता को यह आपने एहसास करा दिया, आपका कद जितना आज है उससे कई गुना बड़ा हुआ है। जीतने का अहंकार किसी भी सूरत में मन के अंदर पैदा नहीं होना, क्योंकि अहंकार के ह पर लगी हुई बिंदी जिस भी नंबर के पहले लग जाती है उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। एक के पहले अहंकार की बिंदी पॉइंट लगा लीजिए तो एक की वैल्यू एक नहीं रह जाती है, वह घटकर एक बटा दस हो जाती है। इसलिए पूरी विनम्रता शालीनता से मर्यादाओं का अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। दूसरी राजनीतिक पार्टियों से हमारी राजनीतिक पार्टी तरफ भिन्न है। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।